नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के अंतर्गत पाजनगर में 45 वर्षीय महिला दरख्वा अंजुम ने बीती रात अपने घर में फंदे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मृतका का पति जमशेदपुर MGM अस्पताल में होमगार्ड की ड्यूटी करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय मृतका ने बीती रात अपने घर के किचन में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त मृत महिला का पुत्र घर के अलग कमरे में सो रहा था, जबकि पति ड्यूटी पर गया था। इधर अगले सुबह मृत महिला के बच्चों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद कपाली पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची कपाली पुलिस द्वारा मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे को फोन किया लगभग 8 बजे के करीब, ठीक है, तो फोन करके खूब रो रहा है। तुम बोले क्या हुआ, तो बोला ऐसा सा बात है, अभी घर आ जल्दी। तो हम आए तो देखे वो लटकी हुई है, हैंग की हुई है, ठीक है। ये तो अपने से करी है, इसमें घर वाले का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। घर वाले किसी को पता भी नहीं था, सुबह उठ के सब देखे। और मेरे फादर तो नाइट शिफ्ट ड्यूटी गए वैसे, ठीक है ना। MGM कैसे इसका ड्यूटी करते हैं, कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल कुछ नहीं था, ठीक है। ये आप पहले से भी पूछ सकते हैं, मतलब अपने इसमें रहती थी। अब ये किस मैटर में करी है ये किसी को नहीं मालूम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबाया अहमद है। बाबू, कुछ सूचना मिला कि ताजनगर में एक औरत जो है फांसी लगा ली है। सूचना का जानकारी पर हम सत्यापन एवं जांच हेतु जब यहाँ पहुँचे, तो एक लेडीज है, उसका नाम दरक्षा परवीन है, तो उम्र करीब 45 बरस, उनके पति का नाम मोहम्मद हुसैन है। वो फांसी अपने किचन में पंखा के रड में फांसी लगा के दोपट्टा से फांसी लगाई हुई थी। उनके परिजन के सहयोग से उसको उतारा गया है और पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो पोस्टमार्टम का जो इंक्वेस्ट ये सब जो होता है, सब फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। रिश्तिया से तो एकदम ये है, क्योंकि उनके परिवार में सब कोई लोग थे। उनका छोटा वाला बेटा ये था, देखा है कि फांसी लगाते नहीं देखे, लेकिन फर्स्ट उनका बेटा देखा। प्रथम दृष्टिया से तो ये फांसी लगा कर ही है, आगे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा।